मकान। कौन नहीं चाहता कि उसका एक अपना मकान हो, जिसमें वो सुकून से अपने परिवार के साथ सुख चैन की जिंदगी बिता सके। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, हर किसी का एक अपना घर है। कोई शहर में रहता है तो कोई गांव में बसा है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। ये लोग सड़क के फुटपाथ पर, बंधों पर, गांव के किनारे छोटी छोटी जगहों पर अपने परिवार के साथ किसी तरह गुजारा करते हैं। इनके दिन भर की मेहनत पर ही इनका भोजन निर्भर करता है। ऐसे में मकान तो दूर की बात है, ये अपने दिन भर की कमाई से अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते। इनके साथ साथ इनके बच्चे भी इनके कामों में हाथ बटाते हैं, लेकिन कला कला ऐसी नहीं है। कला, कला अपने मोहल्ले की इकलौती लड़की है जो स्कूल जाती है, क्योंकि कला के माता पिता उसे पढ़ा लिखा कर खूब आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपनी सारी जरूरतों को भूलकर अपनी बेटी कला के लिए दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। वो अपनी किसी भी मुसीबतों का साया उस पर पड़ने नहीं देना चाहते। कला की शिक्षा ही उनके लिए सब कुछ है। जाओ बेटिया खेलो। सुनिए, हमका कुछ ठीक नहीं लग रहा। आजो भगवान के मनसा के कोनो भरोसा नहीं है। सुनिए, सुन रहे हैं? हाँ बोलो। हम कह रहे हैं जाके कहे नहीं मालिक से बतिया आ रहे हैं। एक के कमरा भर का अगर कर्जा दे दिए ना, तो हमार बिटिया चैन से पढ़ सकत है। सुनिए, हम और आप मिलके उनका बाद में कर्जा चुका दिया जाएगा ना। जाके तनी बतिया आइए, हम अपनी बच्ची के साथ कैसे एक एक रात काट रहे हैं, हमरा ही मालूम है। अरे काहे चिंता कर रही हो, कुछ नहीं होगा। ये देखो मौसम कितना साफ है। जितना चिंता तुम्हारा है, उतना चिंता हमारा भी है। पर एक बात जान लो, अपनी फूल जैसी बिटिया को हम कौनो तकलीफ ना होने देंगे। हाँ, कौनो तकलीफ ना होने देंगे हम। अच्छा ठीक है, खाना निकालो, हम ओकरा के बुलाई देते हैं। ए कला, यहीं आओ। जी बाबूजी। हमारी बिटिया रानी आ गई। एक काम करो, साँझ हो ही गवा है, खाना खा लो, स्कूल का काम भी तो पूरा करना है ना। हाँ चलो खाना खा लेते हैं। आ हमारी बच्ची। तुम भी सो जाओ। हम अब भी सो जाएंगे बिटिया, पहले तुम सो जाओ। सो जाओ बेटा, आराम से सो जा बेटवा हमारा।
बिटिया को सुलाओ, हम बाहर देख के आवत हैं। का हुआ? अरे कुछ नहीं, तनी झीसा उसा पड़त है बस, घबराए के कोनो बात नहीं। जिंदगी में और कोनो सुख है? धरती पे चाहे सूखा पड़ जाए, ये हमरे लेका के और दुख नहीं दे सकत है। हमरा भगवान पे से भरोसा उठ गवा है, ये हम गरीबन के नहीं है। ऐसे काहे बोल रही हो, भगवान जोन कुछ भी दिए हैं हमरा के भले के लिए दिए हैं, ऐसे नहीं कहो। अरे भगवान जो कुछ भी दिए हैं ना, उस पर संदेह ना करो। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बिटिया। सो जा बिटिया, सो जा। हे भगवान, हमारे परिवार की रक्षा करो भगवान, दया करो भगवान। तुम बिटिया को सुलाओ, हम देख के आवत हैं। सुनो ना, तुम्हारे ऊपर तो पानी गिर रहा है, एक काम करो, ऐसे तो तुम दोनों भीग जाओगे, बिटिया को यहाँ हमारे तरफ लेते आओ, यहाँ हमारे पास आ जाओ बिटिया, आ जाओ। हाँ बैठो, तुम आ जाओ यहाँ बैठो। हाँ सुलाओ, हे राम। सुनो, ही आ जाओ। रोज रोज के ये किस्सा है। कला के माता पिता अपनी हर रात रोज इसी आशा में गुजार देते हैं कि एक दिन उगता सूरज उनके जीवन के इस अंधकार को मिटा देगा। और ऐसे ही एक सुबह, हाँ
सुन रही हो? बिटिया कहाँ वहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। अभी तो यहीं थी, सबेरे से स्कूल ड्रेस पहन के घूम रही है। हाँ, तनी देखिए कहाँ है, जूतों नहीं पहनी है, स्कूलों तो भेजना है। जाइए तनी देखिए कहाँ है, देरी भी तो हो रहा है स्कूल का। टिफिनवा तैयार है ना? अरे हाँ हाँ, ठीक है, हम देख के आवत हैं। सुनो, हाँ, टिफिनवा धर दो। अच्छा ठीक है। ए बिटिया, पता नहीं कहाँ सवेरे सवेरे घूम रही है, कुछ बुझाई नहीं रहा है। हाँ नहीं तो, राम राम चाचा। राम राम बाबू, राम राम चाचा। हमारा बिटिया को देखे हैं का? नहीं बाबू, हाँ तो तेरे बिटिया को नहीं देखे हैं। कहाँ चली गई? ए कला, बिटिया कहाँ गई भाई? कला, ए बिटिया, कब से खोज रहे हैं और यहाँ आके बैठी है। ए बिटिया, बेटी कला, यहाँ कहाँ बैठी हो? स्कूल ना ही गई? चलो चलो हमारा बच्चा, चलो घर चलो। ये सब कहाँ से मट्टी उट्टी लगा ली हो जी? सब ड्रेस गंदा कर दी स्कूल का। स्कूल नहीं जाओगी तो अफसर कैसे बनोगी? चलो, अम्मा परेशान हो रही है ना, तुमको ढूंढ रही है। अरे कहाँ ले जा रही हो? अरे 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 बिटवा, बताओगी कहाँ ले जा रही हो जी? ए बेटा, ये का है? ये हमारा घर है, आज से हम यहीं रहेंगे। आज से आपको हमारी वजह से भेजना नहीं पड़ेगा। तो ऐसी है हमारी कला, जिसे अपने माँ बाप के तकलीफों का एहसास है। अपनी इस नन्ही सी उम्र में, अपनी नन्ही सी कोशिशों से इस बात का दिलासा दिला रही है कि उसके शिक्षा के प्रति उनका त्याग व्यर्थ नहीं जा रहा। वो अब उनके लिए मकान बनाने के बारे में सोच रही है। दुनिया में लाखों ऐसे माँ बाप हैं जो बेघर हैं, क्योंकि उनकी औलादों ने अलग घर बसा रखे हैं। उनकी शिक्षा तो व्यर्थ है, मगर आपकी नहीं जानी चाहिए।